हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूनिवर्सिटी एग्जाम नए फैसले के बारे में। तो फ्रेंड्स, आप सभी के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे एंड तक देखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब बटन के पास वाला बेल आइकन भी प्रेस कर लें, डाल के बटन पर क्लिक कर लें, जिससे कि यूनिवर्सिटी एग्जाम 2020 से संबंधित सभी जानकारी आपके पास सबसे पहले और फ्री में पहुँचती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम 2020 के संबंध में एक नया फैसला जारी किया गया है। ये नया फैसला क्या है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये नया फैसला है कि DU में ऑनलाइन परीक्षा पर असहमति बन गई है। ये देखिए, दिल्ली विश्वविद्यालय के उपकुलपति ने DU के सभी संकायों के डीन से ऑनलाइन परीक्षा कराने की संभावनाओं पर चर्चा की। बैठक में अधिष्ठाता परीक्षा प्रोफेसर विनय गुप्ता सहित अन्य लोग ऑनलाइन जुड़े थे। हालांकि बैठक में शामिल अधिकांश लोगों ने ऑनलाइन परीक्षा लेने के प्रस्ताव का विरोध किया है। तो फ्रेंड्स, ये फैसला दिल्ली यूनिवर्सिटी से देश की सभी यूनिवर्सिटी के लिए एक बड़ा फैसला है, क्योंकि देश की लगभग सभी यूनिवर्सिटी ऑनलाइन परीक्षा कराने के मोड में दिखाई पड़ रही हैं। और फ्रेंड्स, ये मैं आपको बता देता हूँ कि ये असहमत क्यों बनी, क्योंकि डीन ने इसका विरोध किया। कहा कि ये आवश्यक नहीं कि जो कनेक्टिविटी दिल्ली में वो किसी अन्य क्षेत्र में हो या लद्दाख या असम में भी हो। तो फ्रेंड्स, इसलिए डीन ने मना कर दिया कि ऑनलाइन परीक्षा नहीं कराई जा सकती है और ये तरीका गलत है। स्टूडेंट प्रमोशन के संदर्भ में एक वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, इससे लगभग कन्फर्म है कि देश की किसी भी यूनिवर्सिटी द्वारा ऑनलाइन परीक्षा कराना संभव नहीं है। ऑनलाइन परीक्षा के संदर्भ में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल।